राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र जो नामी उद्योगपतियों बहादुर सैनिकों भित्ति चित्रकला के लिए मशहूर है, वहीं बड़े बड़े संत महात्माओं फकीर मौलवियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपनी तपस्या और भक्ति के बल पर इस क्षेत्र को पवित्र और उन्नत बनाया। आज मैं आपको एक ऐसे संत की कहानी बताने और दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें माँ दुर्गा का एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था कि कोई भी उनके दर से खाली हाथ नहीं लौटता था। परमहंस पंडित गणेश नारायण जी, जिन्हें राजस्थान शेखावटी अंचल के लोग प्यार से बावड़िया बाबा कहते थे, जिन्हें माँ दुर्गा ने स्वयं दर्शन दिया था और शिव की उपासना करने का आदेश दिया था। साल 1903 में राजस्थान के बुगाला गांव, जो झुंझुनू जिले में पड़ता है, ने बाबा का जन्म हुआ और बाबा को बचपन से ही अघोर पंथ में बहुत श्रद्धा थी। लेकिन सन 1942 में उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। यह मोड़ तब आया जब झुंझुनू के एक परिवार ने उनसे माँ दुर्गा की आराधना कर उनके लिए आशीर्वाद मांगने को कहा। गणेश नारायण जी ने पूरे 9 दिनों तक पास के एक शिवालय में आराधना की। 9वें दिन जब माँ दुर्गा उन्हें आशीर्वाद दे रही थी कि लोगों ने दरवाजा खोल दिया। हालांकि इसके पहले ही माँ दुर्गा भगवान भोले शंकर की आराधना के आदेश के साथ उन्हें भविष्य देखने का वरदान दे दिया था। बाबा जी दुर्गा और भगवान शिव की आराधना में खुद को समर्पित कर दिए। भक्ति और साधना का प्रताप फैलने लगा। उनका आशीर्वाद लोगों का जीवन बदलने लगा। हर वक्त दुर्गा मंत्र के जाप करते समय उनके मुख से जो निकल जाता था वह सत्य हो जाता था। अनिष्ट घटनाओं का वे पूर्व संकेत दे देते थे। सच्चे साधक को फिर भी दुनिया पागल मानती थी। समाज में बहिष्कृत तथा शास्त्रों में निषिद्ध नीले रंग के वस्त्रों का ही ये प्रयोग करते थे। कभी शमशान में लूट लगाते, कुत्ते कौवों के साथ खाते, हंडियों में पड़े पदार्थ को पहले गुदा से लगाते फिर खुशी से ग्रहण करते थे। बाद में वो इस शहर चिड़ावा आ गए। आज के धनाढ्य परिवारों में बिड़ला परिवार में भगवान से पहले बाबा की पूजा की जाती है। इसके पीछे भी एक विशेष वजह है। इसके पीछे बाबा की वो भविष्यवाणी जिससे आज बिड़ला देश के प्रमुख उद्योगपतियों में आते हैं। पिलानी निवासी जुगल किशोर बिड़ला को एक बार बाबा जी ने कहा, जुगल किशोर जा कमाने निकल जा, आज तेरा शुभ दिन है। और उनकी आज्ञा से सेठ जी कलकत्ता की ओर चल दिए। रास्ते में दाहिनी तरफ फन उठाए काला सांप मिला, जो शुभ शगुन था, मगर सेठ उसे अपशगुन मानकर वापस लौट आए और पंडित जी को पूरी घटना बताई। पंडित जी बोले, जुगल किशोर तुमसे भारी गलती हो गई, यदि चला जाता तो चक्रवर्ती सम्राट बनता, जा अब भी तू यशस्वी बनेगा, अपनी करनी बरनी बंद मत होने देना, इसे हमेशा चालू रखना। ऐसी चमत्कारपूर्ण बातों से परमहंस के प्रति श्रद्धालुओं की भक्ति बढ़ती गई। इनके मनमौजी स्वभाव के कारण ही लोग इन्हें बावड़िया संत के नाम से भी पुकारते हैं।
झुंझुनू से 27 किलोमीटर और चिड़ावा रेलवे स्टेशन से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। गुरुवार के दिन यहाँ धूप लगती है, प्रसाद में बड़े का भोग लगता है। मंदिर के बाहर बड़े बनाती दुकानें मिल जाएंगी। बाबा जी ने बहुत से चमत्कार किए और इसी से श्रद्धालुओं की भक्ति बढ़ी। बाबा जी ने संवत 1969 में पौष मास की नवमी को योग मार्ग द्वारा शरीर त्याग दिया। इसी स्थल पर आज एक मंदिर बना हुआ है। चिड़ावा वाले इन्हें अपना ग्राम देवता मानते हैं। इनकी निर्वाण तिथि पर विशाल मेला लगता है। इनकी जन्मस्थली बुगाला, विद्यास्थली नवलगढ़, तपोस्थली गुड्डा गौरजी एवं समाधि स्थली चिड़ावा प्रमुख धाम है। बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, सर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार। गुरु ही सफल जीवन का आधार है। जय बाबा जी, जय बावड़िया बाबा।